जोधपुर में इन दिनों भूमाफिया पूरी तरह से हावी है। परसुडी थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर ये बेरोक टोक जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं और कब्जे के बाद उसे प्लॉटिंग करके बेच भी रहे हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। भूमाफियाओं के इस करतूत से परेशान होकर अब स्थानीय लोग भी सड़क पर उतरने लगे। परसुडी थाना अंतर्गत दामो टोला में उस समय स्थानीय महिला पुरुष एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे जब क्षेत्र के भूमाफिया कार्तिक गोप गणेश गोप की ओर से सरकारी जमीन को अतिक्रमित करने का प्रयास किया गया। जमीन है, इस पे जबरदस्ती अवैध से अतिक्रमण हो रहा है। कौन है वैसे लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं? कार्तिक गोप। आप लोगों ने शिकायत की थी, क्या कुछ कार्रवाई हुआ अब तक? कार्रवाई यही था, आए थे कल, काम रुकवा के गए, उसके बाद फिर से काम चालू हो गया एक घंटा। आप लोग क्या चाहते हैं? स्थानीय लोग आज एकत्रित हुए हैं, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि ये जगह जैसा है खाली रहे, अतिक्रमण ना हो। भूमाफिया केवल दामो टोला में ही नहीं बल्कि परसुडी थाना अंतर्गत जहाँ जहाँ सरकारी जमीन मिल रही है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, कितना दिन बार आ करके ऐसे किया है, सीओ को हम लोग दिए दे करके ना, लेकिन वहाँ से आता है आदमी लोग, लेकिन फिर काम शुरू हो जाता है, साल दो साल के बाद फिर काम शुरू होता है। कितने दिनों से ऐसा चल रहा है यहाँ पर? वो तो गया पाँच छह साल से चल रहा है। कल पता चला है कि सीओ कार्यालय से आकर रोक लगाए थे यहाँ पर। रोक लगाए थे और यहाँ तो आदमी पैसा में भी बिक जा रहे हैं, उसको उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे रहे हैं। वही जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव की ओर से सरकारी जमीन में 144 लगाकर वैसे भूमाफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। ये संज्ञान में आने के बाद टीम गई थी यहाँ अंचल की और काम को तत्काल रुकवाया गया, लेकिन जैसा फिर से अभी आपके द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा भी बताया गया, ये काम किया जा रहा है। अब हम लोग उसको प्रिकॉशनरी प्रोविजन के लिए 144 की भी अनुशंसा करेंगे, बीपीएलडी की कार्रवाई भी होगी और फिर आवश्यकता पड़ेगी तो जमीन ग्रैबिंग वगैरह का जो उनकी हरकत चल रही है उस पर उसके अंतर्गत भी प्राथमिकी दर्ज। जिला प्रशासन के प्रशासनिक पदाधिकारियों की ओर से कार्रवाई भी की जाती है। कार्रवाई के बावजूद भूमाफिया पुनः अपने मंसूबे पर कामयाब हो जाते हैं जो कि इनके पीछे किसी बड़े राजनीतिक चेहरे को दर्शाता है। ऐसे में जरूरत है आम लोगों को भी जिला प्रशासन का साथ देने की ताकि भूमाफियाओं को उनके मंसूबे पर कामयाब होने से पहले ही रोक लिया जाए। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रवीण सेट्टी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।